i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 11 and we're going to talk about evidence based management when we talk about evidence based management albert einstein came up with a very interesting idea his famous quote is that no problem can be solved from the same level of thinking that created it in this particular quotation given by albert einstein there are three important things to be highlighted one

जब हम लॉजिक बेस्ड बात करेंगे एविडेंस बेस्ड बात करेंगे हम उस बात को मुकम्मल तौर पर रिलाई करवाएंगे ऑन द प्रेसिडेंट्स अवेलेबल तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग ज्यादा आसानी होगी द सेकेंड थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट दैट द एविडेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट से मुराद है कि इट शुड नॉट बी हिडन इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इट शुड बी रिकॉर्डेड और हम उस चीज को इस तरीके से वाजिया करें कि एवरी एवरी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग शुड बी एबल टू कैप्चर द होल सिनेरियो एंड द होल पिक्चर सो एक्सप्लिसिटली चीजों को हमने वाजिया करना है रादर देन कि हम इम्प्लिसिट एप्लीकेशंस की बात वो करें द थर्ड थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट जब हम डिसीजन मेकिंग बेस्ड अपॉन एविडेंस की बात करते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी दैट द डिसीजन इज जुडिशियस जुडिशियस का मतलब ये होगा कि इट शुड बी बेस्ड ऑन एथिक्स उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उसमें आपका जो जस्टिस बेस्ड अपॉन द सिनेरियो वो मौजूद हो और उस जस्टिस को बेस बनाकर उस फेयरनेस को बेस बनाकर हम अपना फैसला वो कर पाएं सो थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा दैट द डिसीजन शुड बी टेकन व्हेन यू आर कॉन्शियस व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग द थिंग्स एक्सप्रेसिटली एंड वेन योर डिसीजन इज बेस्ड अपॉन सम जुडिशियस एविडेंस अब इन तीन बातों को रखकर दिंग यू नीड टू सी प्रेक्टिशनर डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके पास एक्सपर्टीज क्या है उसकी जजमेंट क्या है और बेस्ड अपॉन दोन हिज और हर प्रोफिशंसीज एंड कंपिटेंसीज हम डिसीजन मेकिंग बेहतर तौर पर अप्लाई कर सकेंगे द सेकेंड थिंग इज द एविडेंस शुड बी फ्रॉम द लोकल कॉन्टेक्सट एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने हो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल एविडेंस आपके पास हो जिस एविडेंस को आप लोकली प्रूव भी कर सको कि बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स आप इस एविडेंस के ऊपर बात वो कर रहे हो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट इज दैट जो आपके पास रिसर्च एविडेंस है जब आपने उस फैसले को करने के लिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट की सो so उस रिसर्च का आप एक क्रिटिकल रिव्यू वो भी करोगे सो दैट यू कुड नो कि उसके प्रोजेंट कॉन्स क्या है ट यू कुड नो कि उस प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से हल करना है द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एज यू आर लुकिंग इन द स्लाइड इज टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिन स्टेक होल्डर्स ने उस डिसीजन मेकिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो देना है और उस डिसीजन से कौन लोग इफेक्ट होंगे सो थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसिट एंड जुडिशियस ये तीनों चीजें हमें चाहिए वेन वी टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेक होल्डर द क्रिटिकल रिव्यू एंड द प्रैक्टिशनर्स नॉलेज एंड जजमेंट अब हम इस बात को एक्स्ट्राप आगे और चलाते हैं जहां पर हम एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं इसमें जब हम प्रैक्टिशनर नॉलेज की बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड उसका एक्सपीरियंस दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काउंटेड

द केस स्टडीज जो कि ऑलरेडी एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल हो एंड वी हैव टू सी है जो डाटा कलेक्ट हम कर रहे हैं वो डाटा ऑथेंटिक हो और उस डाटा की क्रिटिकलिटी उस डाटा की इंपॉर्टेंस शुड बी एविडेंट एंड द थर्ड थिंग एज वी हैव टॉक्ट अबाउट के डाटा की ऑथेंटिकेशन के साथ साथ अब जो फोर्थ कॉन्टेक्स्ट हमें देखना होगा दैट वुड बी द स्टेक होल्डर प्रेफरेंसेस उनकी इनोवेटिव प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको किन डिसीजंस पर अपना अमल दरामद वो करवाना है अब इस बात को एक स्टेप आगे चलाने के लिए जब हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो एक एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेक होल्डर से पूछेंगे कि उनके पास क्या और उससे क्या so is, उनसे डाटा कलेक्ट होगा सो दैट इज थर्ड थिंग इज डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ उसका हमें क्रिटिकल रिव्यू इज कि वो सारा डेटा कलेक्टेड, उसको हम एग्रीगेट करें उसको हम कलेक्टिव फॉर्मेशन में लेकर आए दैट वुड बी कि अब जो हमने फैसला बेस्ड अपॉन एविडेंस किया है उसको हम अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद दिक्कत स्टेप वुड बी हम एसेस करें कि आया हमारे जो सॉल्यूशंस थे वो करामत थे या नहीं थे अब किस किस्म के हम फैसले करते हैं बेस्ड अपॉन एविडेंस फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सिलेक्शन टेक्निक इट कैन बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इट कैन बी जॉब सेटिस्फेक्शन डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस वो बहुत जरूरी है जानना दूसरी बात कि हम जो फैसला कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास डाटा कलेक्ट एक्ोरेट हो और उसके शवाहिद उसके एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हो कोई प्रेसिडेंट रिकॉर्ड हो सकता है कोई केस स्टडी हो सकती है जिसको बेस बनाकर हम फैसले को करना चाहते हैं थैंक यू